पैदल जाना तो उधर से जाओ उधर जी। क्या उम्र थी अम्मा जी? 25 साल। 25 साल के? 2 महीने जो गए। ये कैसा हुआ? फोन करे है? फोन करे कि पकड़ो गली के बच्चे को, बताते सो भाई वहीं पे बांध रहे, बच्चे नहीं बोल रहे हो ना कोई भी। शादी शुदा थी अम्मा? 2 महीने बहुत शादी हो गए। इनकी वाइफ है ये? कोई दुश्मनी थी क्या उनकी किसी से भी? मुझे भी मालूम नहीं। और यहाँ रहते इतने दिनों, सुबह काम पे गए तो शाम में घर पे आके सो जाते। क्या काम करते थे मालूम? लाइट का, गवर्नमेंट का काम करते। इसकी क्या ये जो हुआ हादसा, इसका कुछ भी वजह नहीं मालूम? नहीं मालूम। किसी के ऊपर डॉट है, शक है? कुछ भी नहीं मालूम। जी जी। उनके दोस्त वगैरह या जहाँ काम करते थे वहाँ पर कुछ भी नहीं? उन्होंने अच्छा जाके अच्छा चाहते उन्होंने। शादी हो गए 2 महीने और? 2 महीने और शादी हो गए। क्या हुआ ये कह के लिए? कुछ भी दुश्मनी वगैरह? नहीं नहीं बोले कुछ भी उन्होंने। जाके बचाएंगे उनको, जाके भैया हमारे भाई को बचा लेना। बहुत जी। अभी अभी 1 घंटा पहले यहाँ पर मर्डर हुआ। बस्ती का नाम गुजर नगर है। मैं यहाँ का कांग्रेस लीडर हूँ, सीनियर बहादुरपुरा। तो इसी तरीके से एक नौजवान बच्चे को फ़ोन करके बुलाया गया, बुला के उसका मर्डर किया गया। मर्डर की तफसील अभी कुछ मालूम नहीं हुई। इंशाल्लाह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद इंशाल्लाह मालूम हो जाएंगी, आप लोगों को डिटेल पहुँच जाएंगी। फिलहाल जो सो मर्डर होगा उस्मानिया में है। क्या नाम? क्या उसका नाम? शेख अब्बास है बच्चे का। शेख अब्बास उन्हों जो सो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है। जी जी। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का अंदाजा क्या उम्र थी इनकी साहब? उनकी 25-26 साल का बच्चा। 25 साल 26 साल के थे। हाल हाल में शादी? 2 महीने और अभी 2 महीने वाले बच्चे की शादी हो के। जी जी। ये कोई अंदरूनी कुछ मैटर होगा? जी जी। तो जाहिर नहीं हो रहा जी। बच्चे का बैकग्राउंड कुछ? बैकग्राउंड तो बच्चे का बस्ती के हद तक तो बहुत अच्छा है। अब बस्ती के बाहर उसका बैकग्राउंड क्या है तहकीक के बाद ही मालूम होगा। इंक्वायरी के बाद? हाँ, ये पेशे से इलेक्ट्रिशियन थे। 25 से 26 साल है। हाँ। ये कोई दोस्त वगैरह ही है उनके जो फोन करके घर पे बुला के मर्डर करे। तो कुछ पैसों का तनाजा है बोल के सुने? अभी ये डिटेल इंशाल्लाह 8,000 रुपए कुछ लेना देना था बोल के ऐसा सुने में। अभी तो उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। ये क्या है क्या नहीं इंशाल्लाह तहकीकात के बाद ही मालूम होगा इंशाल्लाह।